यार ब्रह्मास्त्र मूवी का जब से ट्रेलर आया है ना, तो एक अलग ही बवाल मचा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर। तो ये क्या बवाल है, इसको हम तीन टुकड़ियों में बांटेंगे। और ये ऐसे बवाल है ना, अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है ये तीनों चीज़ें। पहला जो ट्रेंड चल रहा है पूरे ट्विटर पर, वो ये है कि बायकॉट द ब्रह्मास्त्र मूवी। और वो क्यों, अगर आप ध्यान से इस पूरे ट्रेलर को देखोगे तो यार छोड़ो, ट्रेलर को मत देखो। अगर आप इस पिक्चर को ही ध्यान से देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों बायकॉट करने की मांग कर रही है पूरी भारतीय जनता, बॉलीवुड को जानने वाली पूरी जनता क्यों इस मूवी को बायकॉट करने की कोशिश कर रही है। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, आप समझ जाओगे। जूते पहनकर रणबीर कपूर टेंपल में एंटर कर रहे हैं, तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना, तो हाँ ये तो गलत है। अगर आप जूता चप्पल पहन के किसी भी टेंपल में, किसी भी धर्म के टेंपल में अगर आप एंटर करोगे तो वो चीज़ें गलत। बट हाँ, ये मूवी है, ये रियलिटी तो है नहीं, बट फिर भी अगर आप इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो, वो भी इंडियन माइथोलॉजी को लेकर बना रहे हो, तो भाई ये तो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक मानी जाएगी आपकी। तो ये तो गलत है, हाँ। तो बट हाँ, ये भी गलत है कि अगर हम इसको ऐसे ट्रेंड करें पूरे ट्विटर पर, पूरे सोशल मीडिया पर कि इसको बायकॉट कर दो। हम एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, और वो बीच का रास्ता क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमें पहले तो इस ट्रेंड को चेंज करना है कि बायकॉट ब्रह्मास्त्र, हमें कुछ इस तरह का ट्रेंड चालू करना है कि भाई साहब आप इस मूवी में जो ये सीन है इसको चेंज कर दो, हम हैप्पी हो जाएंगे। ये मेरा ओपिनियन है, अगर इस मूवी में ये सीन चेंज हो जाता है, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है, और कौन सा रास्ता हो सकता है कि इस मूवी को बिना बायकॉट किए हम इस मूवी को बिना किसी प्रॉब्लम के सिनेमाघरों में देख सकें। और जो दूसरा पॉइंट है ना, वो ये है कि पीपल एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे इस ट्रेलर में देखना, जो उनको देखने को मिला ही नहीं, और इसलिए वो एकदम आग बबूले हुए पड़े हैं कि भैया थोड़ा इरिटेट हुए पड़े हैं। और अगर आप ध्यान से इन मीम्स को देखिए, ओवरऑल अगर देखें ना, सब शाहरुख खान को देखना चाहते थे इस ट्रेलर में, जो उनको देखने को मिला ही नहीं। तो दो सीन हैं जिसमें शाहरुख खान आपको देखने को मिले हैं, पर वो क्लियर नहीं देखने को मिले। मे बी पहला तो ये है कि इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखिए, तो ये बंदा हवा में उड़ रहा है, और तीन शस्त्र की बात की है शुरू में, हवा, पानी और आग। आग तो हमारे रणबीर कपूर हैं जिनका नाम शिव है। और दूसरा जो हवा है, वो जो ये बंदा है हवा में उड़ रहा है, और पवन पुत्र हनुमान जी हैं, मैं भी हनुमान जी उनको अपने पूंछ पर खड़े किए हुए हैं। और अगर आप ध्यान से इस बंदे को देखोगे तो ये थोड़ा शाहरुख खान की तरह ही लगते हैं, ज़्यादा बॉडी वाडी है नहीं, नॉर्मल से, तो मे बी ये शाहरुख खान हो सकते हैं। और दूसरा जो सीन है जिसमें लगता है कि शायद ये शाहरुख खान है, और वो है ये वाला सीन। अगर आप इस पिक्चर को ही ध्यान से देखोगे तो ये आपको ना R1 के स्टार्टिंग में जो शाहरुख खान दिखे थे, उस तरह का शाहरुख खान आपको इसमें दिख रहा है। और ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि भाई ये है कौन। वैसे मैंने तो एक आइडिया लगा लिया है, बट वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो भी आपको कल मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको सभी करैक्टर की थोड़ी डिटेलिंग में वीडियो बना के आपके सामने पेश करूंगा। जितने भी करैक्टर दिखाए गए हैं ट्रेलर में, आखिर उनका नाम क्या हो सकता है और वो किस तरह से कनेक्ट हैं इस पूरी मूवी में। तो भाई शाहरुख खान तो इन्हीं दो करैक्टर में से कोई एक हो सकता है, बाकी अदर कोई ऐसा दिखा नहीं है, तो उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा मूवी के आने का। और तीसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है मूवी, वो है कंपैरिजन वाली, जो लोग इसको बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं। और कंपैरिजन कर किस चीज़ से रहे हैं वो आप देखिए, मार्वल, DC और पता नहीं किन किन चीज़ों से। तो पहले जब मार्वल अकेला था तो DC के कई गिने चुने करैक्टर थे, जब मार्वल ने अपने करैक्टर बढ़ा लिए, अपना यूनिवर्स बना लिया, और उसके बाद जब DC अपना यूनिवर्स बनाने लगा, तो लोग ये कहने लगे कि भैया DC कॉपी कर रहा है मार्वल को, सबके साथ किया है लोगों ने। उसके बाद जब कई और यूनिवर्स बने, कई और सुपर हीरो बने, तो सब कंपैरिजन करने लगे कि हाँ ये मार्वल और DC का मिक्सचर है, यहाँ हमारे राज कॉमिक्स वाले इनको भी कंपैरिजन किया जाता है कि ये DC का कॉपी है, मार्वल का कॉपी है, बट ये ऐसा है कुछ नहीं। तो वैसे ही जब अब ब्रह्मास्त्र आई है, तो लोग इसके ट्रेलर को, इसके करैक्टर्स को, जैसे कि नागार्जुन के कई सीन को, और यहाँ तक कि मोनी रॉय का जो करैक्टर है पूरा जुनून, उसके हर एक सीन को, हर एक क्लिप को उठा कर लोग कॉपी कर रहे हैं कि भाई ये वोंडा का सीन है, ये वोंडा का ही करैक्टर है, लोगों ने उठा के बस इसका नाम चेंज कर दिया है। और यहाँ तक कि भाई हद तो तब होगी जब लोग इसको इस कार्टून से कंपेयर कर रहे हैं। बताओ यार, इतनी बड़ी बेइज्जती
कैसे तुम लोग कर सकते हो? पहले तो तुम लोग कहते हो कि तुम लोग इंडियन प्रोडक्ट बनाओ, हम उसको प्रमोट करेंगे, हम चाहते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट बने, इंडिया का नाम हो। और जब कोई कोशिश कर रहा है, इंडियन प्रोडक्ट बना रहा है, आप ही लोग हो जो उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। मार्वल डीसी जो है वो अलग माइथोलॉजी पर चल रही है, वो उनकी कथाओं पर बनी हुई मूवीज़ हैं, वो अलग यूनिवर्स है। डीसी का एक अलग ही है और ये इंडियन माइथोलॉजी पर बनी है। अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है तो उसको करने दीजिए। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय बताइए। बाकी हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।